तीन तलाक पर कानून बनने के बाद खरगोन जिला मुख्यालय पर तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है। खरगोन की अमरीन नाम की महिला को उसके पति सद्दाम ने तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। दोनों का निकाह 4 माह पूर्व ही हुआ था। पीड़ित महिला परिजनों के साथ आवेदन लेकर खरगोन कोतवाली पहुंची। नए कानून के तहत पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये कुम्हारवाड़ा की रहने वाली है आवेदिका अमरी, पिता खलील बेग। इनकी 4th महीने में शादी हुई थी तो उनके ससुराल वाले इनको दहेज के लिए परेशान करते थे और इनका जो पति है सद्दाम, उन्होंने इनको 3 तलाक बोलकर तलाक दे दिया। तो इसलिए वो आज थाने पर शिकायत करने आई थी। तो वो थाने पर धारा 498 और द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन वन मैरिड एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर, ये अभी नया जो कानून है ये लागू हो गया है, इसको लागू हो जाएगा? हाँ, इसको द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन वन मैरिड एक्ट 2019 उसकी धारा 4। इसमें क्या सजा हो सकती है सर? 3 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड भी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।